टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जय एग्जाम प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो जैसा कि अभी UPP 49,568 कांस्टेबल की मेडिकल प्रोसेस नहीं हुई है, तो इसको लेकर स्टूडेंट्स के में काफ़ी क्वेरीज थी, काफ़ी पूछ रहे थे लोग क्या क्या कैसे मेडिकल होता है, तो उसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज आपको बताएंगे हम कि आपको UPP कांस्टेबल में क्या क्या मेडिकल कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। आपको मेडिकल में ये लिखी हुई स्क्रीन पे सारे चेकअप होते हैं, जैसा पहला दिया है चेस्ट और हाइट, दूसरा ईयर टेस्ट, तीसरा आँखों का टेस्ट, चौथा नॉक नी, पाँचवा वर्कस वेंस और छठवां है प्राइवेट पार्ट्स भी चेक होते हैं, सातवां है फ्लैट फुट और आठवां है अदर मेजर प्रॉब्लम। तो हम इन टॉपिक्स पे एक एक करके बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हाइट और चेस्ट आपका मेडिकल में एक बार फिर से अभी DVPST के बाद फिर से नापा जाएगा, और काफ़ी जो स्टूडेंट पास हैं उनमें फेल की तो कोई संभावना नहीं, उनकी हाइट और चेस्ट कंप्लीट है, चेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप अभी भी आपके पास टाइम है, अभी आप डिप्स वगैरह मार के अपना चेस्ट बना लीजिए, और हाइट जिसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है 1-2 सेंटीमीटर, अगर वो DVPST के समय फिट हैं तो आप अभी यहाँ भी फिट रहेंगे, आपके हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ज़्यादा डिफरेंस है 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो हाइट और चेस्ट फिर से चेक होगा। चलिए अगला टेस्ट है आपका आँखों का टेस्ट। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है आँखों का और कान का टेस्ट। तो आँखों के टेस्ट में क्या क्या होता है आपको बता दें। आँखों के टेस्ट में पहले होगा आपका नियर विजन, कलर विजन और डिस्टेंस विजन। तो कलर विजन में जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि ये कुछ अंक लिखे होते हैं हिंदी के या कख लिखे होंगे, और आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप पढ़ पाते हैं तो आपको कलर विजन नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको कलर विजन है। तो ये आपका इन चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आप पढ़ लिए तो आपको कलर विजन नहीं है, अगर आपको कलर विजन है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आँखों में और कान में टेस्ट में काफ़ी बेहतरीन तरीके से चेक होता है। अभी आपको बताएंगे डिस्टेंस विजन, नियर विजन। तो और ये देख पा रहे होंगे आप, ये चार्ट दिख रहा है, तो ये चार्ट को एक निश्चित दूरी से आपको एक एक आँखों को बंद करके पढ़ाया जाता है कि आपकी आँखें 6x6 की हैं, 6x9 की हैं या 6x12 की हैं। तो आपको ये भी चेकअप होगा, और आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि एक आँख 6x6 और दूसरी 6x9 चल जाएगी, तो इस प्रकार से आपका ये चेकअप होगा आँखों का, तो आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला टेस्ट देखते हैं। अगला टेस्ट है आपका नॉक नी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दो चित्र दिखाए हुए हैं, तो ये नॉक नी की प्रॉब्लम इस लड़के को है। अगर नॉक नी का प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा तो आपको दोनों पंजों को सटा के जब सटवाएंगे तो आपके दोनों घुटने सटने नहीं चाहिए ऊपर, अगर फट रहे हैं तो आपको नॉक नी की प्रॉब्लम है। यदि आपको नॉक नी की प्रॉब्लम है तो अभी काफ़ी समय है, आप अपने पैरों में रात में सोते समय तकिया या फिर एक्सरसाइज, अनेक प्रकार की एक्सरसाइज आती हैं, उसको एक्सरसाइज करके आप अपने नॉक नी को दूर कर सकते हैं, तो आपको नॉक नी की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आपको बता दें कि पुलिस के डॉक्टर और पुलिस के सर लोग हमारे भी आपको काफ़ी कोऑपरेटिव और सपोर्टिव मिलेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो चल जाएगा, अगर मेजर प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप योगा वगैरह करते रहें। तो चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे आपको जैसा कि एग्ज़ाम देख पा रहे होंगे जय एग्ज़ाम चैनल है हमारा, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो मेडिकल देने वाले हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। अगला चेकअप होता है आपका वर्कस वेन का मतलब होता है उभरी हुई नसें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये एक लड़का है, इसकी नसें उभरी हुई हैं, तो ये चीज़ भी आपको नहीं रहनी चाहिए, और ये भी आप देख पा रहे हो नसें उभरी हुई आपको दिख पा रही हैं, तो ये आपको अगर उभरी हुई नसें हैं तो आपको वर्कस वेन का समस्या है, तो इसके लिए भी आप डॉक्टर से मिल के अपने इलाज करा लें। अगर प्रॉब्लम है, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अगर अभी टाइम है थोड़ी बहुत भी हो तो आप डॉक्टर से मिल के ज़रूर अपना सही कराएँ, तो ये भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला चेकअप है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आँख के बाद
कान का टेस्ट। कान का टेस्ट में ये होगा कि आपके ललाट पे मशीनों को लेके डॉक्टर घुमाते हैं, वो आपको पूछेंगे कि आपको आवाज़ दे रही है, कभी लेफ्ट कान में सुनाई देगी, कभी राइट कान में सुनाई देगी, कभी वो मशीन को बंद कर देंगे फिर पूछेंगे सुनाई दे रहा है। अगर आपको मशीन बंद है सुनाई नहीं दे रहा है तो आपको सच सच ही बताना है, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि चल रहा है मशीन नहीं सुनाई दे रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो आपके कान का टेस्ट करते हैं। तो आपको जो मशीन चल रहा हो तो ही बताएं, लेफ्ट में सुनाई दे रहा है, राइट में सुनाई दे रहा है, तो उस प्रकार से ही आप बताएं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप घबरा जाएं कि मतलब हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये भी चेकअप होता है इस प्रकार से। चलिए अगला टेस्ट, अगला टेस्ट है आपका प्राइवेट पार्ट। कहीं कहीं सेंटरों पे तो नहीं चेक होता है, लेकिन कहीं कहीं का अधिकतर सेंटरों पे प्राइवेट पार्ट भी चेक होते हैं। पिछली बार मेरा एक दोस्त 41,520 में प्राइवेट पार्ट में ही बाहर हो गया था। तो आपको अगर प्राइवेट पार्ट में जैसे हाइड्रोसील और पाइल्स, खास करके हाइड्रोसील में आपको समस्या हो, तो हाइड्रोसील में भी आपकी हाइड्रोसील बढ़ जाती है या फिर नसें बढ़ जाती हैं, दो प्रकार की होती हैं, तो आप डॉक्टर से संपर्क करके ज़रूर दवा ले लें या ऑपरेशन करा लें, अभी काफ़ी समय है। और पाइल्स की भी समस्या हो तो ज़रूर दवा लें। पाइल्स में आपको नीचे झुका के खांसी कराते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर दिखेगा और डॉक्टर अपना भाप लेंगे। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप ज़रूर संपर्क करके डॉक्टर से सही इलाज करा लें। चलिए अगला देखते हैं, अगला चेकअप है आपका फ्लैट फूट। तो फ्लैट फूट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये चित्र है, इस चित्र में आपको फ्लैट फूट में आपका पंजा एकदम फ्लैट होगा, आपको एक पानी या फिर रंग किसी में पैर के आपको डुबा के फिर आगे आपको बढ़ा के चलाते हैं। अगर फ्लैट फुट होगा तो आपका पूरा फ्लैट दिखेगा, अगर फ्लैट फुट नहीं होगा तो अगर जैसे कि ऐसा होगा तो आपको पैर में के बीच में एक स्पेस, जब आप रंग या फिर पानी से उस पर चल के जाएंगे तो आपको स्पेस दिखेगा, और स्पेस नहीं दिखेगा तो आपको फ्लैट फुट है। तो फ्लैट फुट की समस्या भी है, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज या फिर शूज वगैरह में बाल की कटिंग को लगा के आप सोते हैं या चलते हैं तो आपके फ्लैट फुट की समस्या भी सही हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो पहले ही बताएं, डॉक्टर और पुलिस सर हमारे कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होते हैं, ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अगले टेस्ट की तरफ बात करते हैं, अदर मेजर प्रॉब्लम में आपको बात करेंगे टैटू। तो टैटू भी आपको ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे आप किसी शेर, किसी सांप या फिर ओम लिखवा लेते हैं और आपको दिख रहा है बड़ा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर टैटू भी अगर आप बड़ा बड़ा बनाए हैं तो आप उसको रिमूव करा सकते हैं, रिमूव होता है। और बड़ी प्रॉब्लम में आपको जैसे कोई ऑपरेशन कराए हैं, ज़्यादा निशान बड़ा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर थोड़ा बहुत निशान है तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा बड़ा है तो आपको बाहर कर सकते हैं। जैसे और अगला प्रॉब्लम है हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, जैसे आप हाथ की कोहनी की हड्डियां निकल जाती हैं या दिखने लगती हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप UPP 49568 या पैरामिलिट्री या किसी अन्य स्टेट पुलिस एग्ज़ाम की मेडिकल देने के लिए जा रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाएं, आप ज़रूर सफल होंगे। और इतना ही बताना था, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय एग्जाम।